हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि अभी पायल आई थी, अरमान जी आए थे, नितिन आया था, चीकू आए थे, सारे आए थे, सब मिलके देख चले गए। सुबह जब पायल आई थी, सुबह ही नाश्ता आ गया था, चाय भी आ गई थी, तो परांठे आए थे साथ में, क्या नाम है, चाय आई थी, तो वो मैं दिखाना भूल गई थी, तो वो चला गया। अब नितिन आया है और चीकू आया था, तो आके दोपहर का लंच दे गया था। दोपहर को लंच में दे गया चावल, आलू वाले और प्याज और टमाटर डाले हैं, तो बिल्कुल हल्के हल्के से हमने बनवाए हैं, ज़्यादा मिर्ची वाले नहीं बनवाए हैं। हमने कहा साथ दही के साथ खा लेंगे या हम अचार के साथ खा लेंगे। और गोलू को तो खाना आ गया है हॉस्पिटल से, तो गोलू ने अपना खा लिया है। ये चावल आए हैं आलू वाले, मैंने अपने डाल लिए हैं। मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, गोलू भी खा चुकी है लंच, मगर चीना रह गई है, तो चीना कह रही मेरा अचार खाने का दिल है, और अचार गलती से साथ चला गया है, और दही भी नहीं है, अचार भी नहीं है। अब उसको कह रही मैं खा ले, जब उसको भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगी। चावल इस डब्बे में आए हैं ताकि गर्म रहे। तो बिल्कुल भी ये मम्मी की गोद से हट नहीं रहा है। यहाँ कृतिका सोने लग रही है, बेचारी बहुत थकी पड़ी है। कहाँ सोई है? हाँ, दो दिन से सोई नहीं, अब सुबह से इसके चक्कर में बेचारी की जाग रही है। होता ही है माँ को, ये रोता है और गोलू कहती है कि फटाफट नहीं नहीं मेरे को दो उठाओ, मेरे को दो। हम यही कह रहे हैं तू सो जा, इसको मैं उठा लेती हूँ। तो आप सबने बोला था कि स्टील का चाकू नहीं रखते, लोहे का रखते हैं, तो ये रहा लोहे का चाकू। हम लोहे का चाकू ला चुके हैं, अभी वो जग्गा लेके आया है। तो बस अब मम्मा इसको सुला रही है। और इसके नाना जी ने नाम रख दिया इसका अंग्रेज। नामकरण हो चुका है इसका अंग्रेज। नहीं, बहुत सारे नाम है, इसके पापा ने अलग रखे। और हाँ मम्मा, एक बात और, रुको, तो ये है लोहे का चाकू जो आप लोगों ने कहा। अब गोलू और बच्चा दोनों अपने सर के नीचे रख के सोएंगे, और हमने बेड के नीचे भी एक गिलास भी भर के रख दिया पानी का, ताकि बच्चा डरे ना, क्योंकि गोलू को भी गंदे सपने आ रहे थे, और इसको बच्चे को तो आते ही आते है ना। नहीं, बच्चे को सपने नहीं आते, बच्चे डरता है, वही मतलब डरता है। एक ही बात, गिलास रख दिया पानी का। गाइज, अगर आपको कुछ और पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। मेरे को बहुत साल हो गए हैं, तो कुछ बातें भूल गई, अब धीरे धीरे दोबारा से याद करूंगी। हाँ। आप कब आए यहाँ? आज अभी 3:30 बजे आई हूँ। अच्छा, 3:30 बजे आए। चलो, बेबी का प्यार आपको खींच लाया है। बेबी का प्यार मुझे कल ही ले आता, लेकिन थोड़ा सा मुझे था कि ये लेट आए थे, तो इसी वजह से मैं लेट हो गई थी, नहीं तो मेरे को कल से ही मैं पैकिंग करके बैठी थी कि मुझे जल्दी से जल्दी जाके मिलना है उससे। मिलना है। चलो, तो गोलू से मिल लिया। हाँ, से मिल लिया। किस पे गया? ये अभी तो मैं इसे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे अभी ये कुछ भी नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर मेरे को पता है, जब गोलू पैदा हुई थी ना, जैसे आप बता सकते हो। हाँ, मैं बता सकती हूँ, बिल्कुल गोलू, बिल्कुल गोलू, सेम कॉपी। हाँ, सेम। चलो, अच्छी बात है। वैसे कहते हैं जो बेटी होती है वो पापा के ऊपर जाती है, जो बेटा होता है वो माँ के ऊपर जाता है। ये बात बिल्कुल परफेक्टली फिट होती है। आप नाक भी देख लो, बिल्कुल गोलू जैसा है। हाँ, होगा। उंगली भी मेरे जैसी, गोलू जैसी है। हाँ, तो आप नानी हो गए ना। हाँ। तो ऑब्वियसली बात है, नानी के ऊपर तो थोड़ा बहुत जाएगा ही। हाँ जी। हाँ। तो गाइस, ये है वो नानी जो जगह जगह हर जगह सो रही है। जगह जगह हर जगह नहीं, जगह नहीं है। अभी हम बाहर बैठे, ये हमारा रूम है। एक इधर से दरवाजा है जो वहाँ पे सोफे पड़े हैं, और एक उधर है जहाँ कृतिका बेबी को फीड कर रही है। तो मम्मी, आप अगर रीजन बता दो मुझे जगह जगह सोने का। सोई नहीं, ऐसे लेट गई, क्या करूँ बता, बैठ के वो फीड करा रही है तो मैं यहाँ बैठ गई। पर आप, तू तो है ना उसके साथ, आपको पूरी रात जागना है, सोच लो। हाँ, तो इसलिए कह रही मैं तभी जब बार बार सोई जा रही था कि रात को जाग पाऊँ। रात के 9 बज चुके हैं। अभी अरमान जी आए थे, पायल आई थी, चिकू भी आया था मिलने के लिए। आज सुबह चिकू स्कूल गया था, तो छोटे बेबी से मिलने के लिए आया था, तो वो खाना लेके आए थे मेरे लिए। तो दाल रोटी, चीना के लिए भी दाल रोटी ले आए थे। सुबह तो पुलाव खाए थे हमने, तो गोलू के लिए खिचड़ी बना के लाए थे, तो गोलू ने खिचड़ी खा ली। गोलू को भी रोटी 3-4 दिन नहीं देनी, तो खिचड़ी बना के लाई थी। तो मैं अभी खा के बस बाहर बैठी हूँ, आके मेरा खाना थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। तो चीना कमरे में बैठी है, चीना ने भी खाना नहीं खाया। मैं चीना को यही कह रही हूँ कि तू भी खा ले खाना, खा के फ्री हो जा, अभी बेबी सो रहा है, तो हम भी थोड़ी देर लेट जाते हैं, फिर जब उठ जाएगा तो वो हमें भी उठा देगा, तो देखो हम गोलू को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मैंने कहा चुपचाप इसको उठा लेंगे। तो ये पक्का अपनी नानी को, इस नानी ने आज इसको दूध पिलाया, सब कुछ खिलाया पिलाया, तो टकाटक देखो मम्मी कैसे देख रहा है आपको। आपको आपको नहीं लगी इसकी आंखें आपकी जैसी? नहीं, मेरे को ग्रेश में लग रही है। तो गाइस, फाइनली बेबी का मैं फेस रिवील कर रही हूँ। ओहो, मजाक कर रही थी मैं। तो क्या कहते हैं, मम्मा बोल रही है कि इसकी जो आंखें हैं, सारे बोल रहे, जीजू भी हो
और पायल दीदी सब बोल के यही देख रहे हैं आपकी जैसे, पता नहीं आपको क्यों नहीं लग रही, मुझे तो लग रही है। नहीं मेरा बच्चा तो उधर रात को सो गई थी, पता है छो काके के सारी हाथ पैर नीले हो गए थे। मुझे पता है मैं तब उठी हुई थी जब डॉक्टर आई थी दोनों। तो उठी हुई थी? हाँ अच्छा मुझे लगा शायद तो सो रही थी, दिमाग में नहीं था। वो तो नीले सारे हो हाथ पैर इसके नीले हो गए थे। वो कह रहे हैं कि भाई बच्चे को ठंड लग रही है और अंदर से टेम्परेचर सही है, अंदर हाथ लगाया टेम्परेचर सही है और हाथ पैर गए, जबकि हम दोनों, सबने पंखे वंखे सब बंद करे हुए हाँ थे। सब पंखे बंद करे हुए हैं, सब कुछ चला नहीं रहे, उस हाथ पैर नीले हो गए फटाफट। वो क्या कहते हैं जो हाथ पैरों में डालते हैं, मिटेंस। मिटन्स, फिर वो डाले मैंने, तो जाके रात को सोया ये सही से। मैं गोलू कैमरे से कैमरे टकरा दूं फिर। और फिर मैं कह रही हूँ जब तू पैदा हुई थी, गोलू पैदा हुई थी, तो बिल्कुल नहाने को मना था, कोई नहाते यहाँ पर आके डॉक्टर ही आके बोल के गए हैं नहीं आप घर में नहा नहीं पाओगे, आपको दिक्कत होगी, आपको यहाँ पर नर्सेज नहला देंगी, ना नहाओ या ना नहाओ पर सिर धुलवा लो। तो सिर क्यों धोने को पता नहीं क्यों सिर धोने को बोल रहे हैं, तो यहाँ पर वो साबुन से धो रहे थे, तो मैंने कहा शैम्पू ला के देती हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ शैम्पू लेने, अच्छा तू जाएगी मैं ले आऊँ? मैं ले आती हूँ। हाँ नीचे से शैम्पू ला दे। तो बेबी को नहला धुला कर उसके लिए आज ये मंगवाया, क्या कहते हैं इसको, मतलब अरे मुझे तो ये नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, इतना पता उन्होंने कहा कि हम कुछ बेबी को हम लिए, उन्होंने बोला कि हम ला दें कि बेबी आपके साथ ही रहे। हाँ और क्या, और बिल्कुल गोलू के साथ रहे, गोलू को देखता रहे, लेकिन ये अभी सो रहा है तब तक ही यहाँ टिकेगा, जैसे ही हटेगा। अभी इसको नहला दिया, तेरे को पता जब बच्चों को नहला धुला दो तो बच्चे आराम से 2-4 घंटे सो जाते हैं। मालिश हुई है इसकी, इसको नहलाया है स्पॉन से, मैंने प्रॉपर देखा है। तो ये कम से कम 2-3 घंटे नहीं उठेगा अभी। भाई गुब्बारे फिर क्यों नए लगने अंदर? हाँ जी नए लगने, तो ये पुराने सारे उतर जाएंगे? सारे उतर जाएंगे। अच्छा अभी उतार के सारे नए लगाओगे क्योंकि फोटोशूट के लिए आधे फुसफुसे हो रखे हैं वो। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये फ्लावर्स भी ले आए हो हाँ, नए? गुलाबी। हाँ यानी कि बेबी का बेबी शूट होने के लिए फिर दोबारा से तैयारी हो रही है। चलो अच्छी बात है, करो, कलर यही लगेगा ब्लू और वाइट। चीना गोलू नहा रही है तो फटाफट जरा सफाई करवा दे। हाँ करवाती हूँ। उन्हें बोल दे कि फटाफट सफाई कर दो, कमरा बिल्कुल साफ सुथरा कर दो। अभी देखो बैलून की कितनी आवाज आ रही, फिर बैलून लगा रहे कहाँ लगा रहे? अरे बैलून फिर कमरे में लग रहे हैं सारे। क्यों लग रहे तो पड़े उतार देंगे सारे, बेबी शूट के लिए नए लगा रहे हैं सारे फ्लावर्स। नहीं नहीं सही, वो कहते हैं दोबारा लगेंगे, वैसे तो सही है फिलहाल गाइस बिल्कुल सही है, मगर वो कह रहे हैं कि हम दोबारा लगाएंगे, तो ठीक है ना कोई बात नहीं। आवाज बोलता है, आवाज कोई नहीं, बोल लगे बैलून फिर दिखाते हैं। हॉस्पिटल बिल्कुल मेन रोड पे है, देखो मैं बाहर बालकोनी पे खड़ी हूँ, सारी बसेस वगैरह ये सब ट्रैफिक, ऊपर भी पुल है नीचे सब है, बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल 10 मिनट का ही रास्ता है हॉस्पिटल आ जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है, और गर्मी इतनी हो रखी है, इतनी गर्मी हो रखी है कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बस पहले मैंने सोचा कि मैं कैरी में नहा लेती हूँ फिर कोई काम करती हूँ। तो जो बेबी का शूट होने में भैया अटना, ये सारे क्लोथ्स हैं, ये फ्लावर्स है, ये बकेट्स है, और एक बार दिखाना मम्मा कैसा होता है, ये देखो स्टार्टिंग से दिखाओ, पहला पेज ये देखो, हैरी पॉटर है नहीं? ऐसे ये बनेगा? हाँ सुंदर सा प्यारा, ये देख ये जैसे यहाँ पे आ जाएगा इसका नाम, नाम आ जाएगा। वाओ देख मैं इसको, देखो कैसे हंस रहा है, ये हंसाते कैसे हो बच्चे को, मैम अपने आप हंसता है, सारे सोते सोते ही हैं ऑलमोस्ट। हाँ ये सारे भैया एक एक दो दो दिन के हैं बच्चे, सब जब यहाँ से जाने से पहले सब दो दो दिन के होंगे। अच्छा ये देख, सबसे स्मार्ट मुझे ये लग रहा है। हाँ? ये देखो क्यूट, ये पढ़ा था देखो, ये देखो ये पढ़ा। हाँ बस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, और ये वाली जो वीडियो हम डाल रहे हैं बिल्कुल स्किप मत करो, क्योंकि हम एक एक मोमेंट बच्चे की गोलू की हम आपको दिखाने वाले हैं। मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, कल नहीं सॉरी आज ही।